हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नो कट। तो आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं और वो सेकंड ईयर में हैं। सो एज वी ऑल नो दैट एमए पीसी में हमें सेकंड ईयर में तीन असाइनमेंट्स करने होते हैं, एमपीसीई 021, 022 और 023। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए ऑप्ट किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीसीई 021 असाइनमेंट के बारे में और हम देखते हैं कि कैसे हम अपने असाइनमेंट को बेस्ट बना सकते हैं टू स्कोर 90 अबव। तो हमारे असाइनमेंट्स का सबसे पहला पार्ट होता है उसका कवर पेज। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, कवर पेज पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ज़रूर डालनी होती हैं, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, आपका सिग्नेचर, डेट जब आप सबमिट कर रहे हो, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड एंड टाइटल, असाइनमेंट कोड और प्रोग्राम स्टडी सेंटर। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डालनी कवर पेज पे, बिकॉज कवर पेज एक आपके असाइनमेंट का फेस है। कवर पेज बनाने के बाद सीधा आप अपने क्वेश्चंस लिखकर उनके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है स्क्रीन पे। और कोशिश कीजिए कि सारे की सारी चीज़ें जो भी आप मेन हेडिंग्स डाल रहे हैं वो ब्लॉक लेटर्स में लिखें। और आप दो कॉम्बिनेशन ऑफ पेन्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। कलरफुल भी आप कर सकते हो, बट इट्स ऑप्शनल। और कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम कैसे अपने असाइनमेंट्स को बेटर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमेशा ऐसी शीट चूज़ करें जिस पे मार्जिन हो, और नीचे भी, ये हमारे हैंडबुक में भी लिखा हुआ है कि नीचे हमें 3-4 लाइंस का मार्जिन छोड़ना है कि जो भी हमारा ट्यूटर अब हमारे असाइनमेंट्स को चेक करेगा वो अपने कुछ रिमार्क्स छोड़ सके उसके लिए। नीचे पेज नंबर्स ज़रूर मेंशन कीजिए, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, बोल्ड कीजिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स जितने बना सकते हैं आप बनाइए। दीज आर द की पॉइंट्स टू मेक योर असाइनमेंट बेस्ट एंड स्कोर 90 अबव इन योर असाइनमेंट्स। और आप अपनी हैंडराइटिंग बहुत बहुत नीट एंड क्लीन और धीरे धीरे लिखिए, जिससे कि आपका असाइनमेंट रीडेबल हो। कोई भी ट्यूटर अगर उसे चेक कर रहा है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ वर्ड्स रीडेबल होने चाहिए अच्छे से। अब आप बाकी के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का भी रेफरेंस लेके अब अपने असाइनमेंट बनाने में हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए देन प्लीज़ कॉमेंट एंड आस्क मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। Guys, I hope my video helped you in making your assignments of MA Psychology Counseling. If yes, then please click on the like button and don't forget to subscribe to our channel. I'll meet you in the next video. Bye.